हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम, एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 100 ग्राम है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, जो कि एक समान एक्सेलरेटेड कर रहा है, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने टाइम में, 6 सेकेंड में। अब आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम भी पता करना है और फाइनल मोमेंटम भी पता करना है, और साथ में फोर्स भी पता करना है जो कि ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का हमें मास दिया हुआ है, मास को हम एम लिख लेते हैं, एम हमारे पास कितना है, 100 किलोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी उसके पहले थी, उसके बाद चेंज हुई है, तो इसका मतलब इसकी u तो है नहीं हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो उसको हम क्या ले लेंगे, अगर नहीं इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, आगे जाके उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हुई है, तो जो चल रहा था पहले वो u है, और जो बाद में हो गया वो क्या हो गया, v हो गया। तो u हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v हमारे पास कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं टाइम पे, टाइम हमें दे रखा है कितना, 6 सेकेंड, ठीक है। अब मोमेंटम पता करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम भी पता करना है और फाइनल मोमेंटम भी पता करना है, दोनों ही पता करना है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम पहले पता कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं, पी से, तो पहले इनिशियल है इसलिए हमने इसको पी वन लिख देते हैं, और इनिशियल है तो क्या लिखेंगे हम, एम यू, ठीक है। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100, यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर ध्यान रखना, हम मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हमें यही यूनिट लिखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फाइनल, इनिशियल हो गई हमारी, अब क्या लिखेंगे हम, फाइनल, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम ले लेते हैं P2, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी, एम हमारे पास कितना है, सेम वही है 100, वी हमारी चेंज हो गई है, वो कितनी हो गई, 8, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आ गई, ठीक है। साथ में हमें पता करना है फोर्स जो इस पर एक्ट हुआ है, तो फोर्स अगर हमें पता करना है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है और हमें मोमेंटम दे रखी है, तो देखो फोर्स अगर हम जो फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, यहाँ पे जो फाइनल हमारी वेलोसिटी है उसमें से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी जो है फाइनल जो हमारा फोर्स लगा हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, P2 में से अगर मैं क्या करूँ, P1 को माइनस कर दूँ, ये कितने टाइम में चेंजेस आया है वो ऐड कर दे तो हमें फोर्स पता लग जाएगा, ठीक है। P2 हमारे पास कितना था, P2 हमारे पास है 100, P1 हमारे पास है 500, टाइम हमारे पास कितना था, टाइम हमारे पास 6 सेकेंड था, माइनस कर देते 100 में से 800 में से 500 माइनस करो तो कितना आ गया, 6, 7, 300 आ गया, अब बॉन कितना है 6, कटिंग कर देते हैं 6 से तो कितना आ जाएगा ये 50। तो यहाँ पर हम फोर्स पता कर रहे हैं तो F इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। मैं पूरा सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।